नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज और आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर दैट इज हाइपोथायरायडिज्म के ऊपर। और आज का जो हमारा फॉर्मेट होगा ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में होगा। लेकिन इससे पहले दो रिक्वेस्ट है मेरा। पहला कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और दूसरी चीज कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि लास्ट तक देखने से आपको एक बहुत सटीक और एक उम्दा जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, ये क्या है और व्हाट हाइपोथायरायडिज्म किसे कहते हैं। तो थायराइड जो है एक गर्दन के सामने और निचले के हिस्से में पाया जाने वाला एक बटरफ्लाई सेप्ट का एक ग्रंथि है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रिट करता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी का एनर्जी यूटिलाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, और नॉर्मल फंक्शनिंग जो हमारे ब्रेन्स, हार्ट और मसल जो करते हैं उसको रेगुलेट करता है। इसकी जो कमी हो जाती है उसी चीज को हम बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइपोथायरायडिज्म कैसे होता है। तो हाइपोथायरायडिज्म जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी बीमारी है जिसमें आपके अपने ही शरीर कुछ ऐसे केमिकल्स बना रहे हैं जिससे आपके खुद के ऑर्गन्स या अंग जो है ये डैमेज कर रहे हैं। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये उन लोगों में होने का चांस ज्यादा है जिनको, मतलब जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑटो इम्यून डिजीज के शिकार हैं और काफी क्लोज रिलेटिव जो है तो उनको भी होने का चांसेस ये बना रहता है। और एक चीज कि हमारे भारत का जो मतलब आंकड़ा है उसमें हर 10 पर्सन में एक आदमी जो है हाइपोथायरायडिज्म का मरीज है। नेक्स्ट है कि अगर जो है सपोज मतलब बात करें तो फीमेल्स और मेल्स की, तो फीमेल्स में ये मच मोर कॉमन है बनिस्पत मेल के। और जब से जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे जो है आपका थायराइड होने का चांस बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अब इसको कौन से इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं और क्या क्या लक्षण हैं। तो अगर सबसे पहली बात करें लक्षण की, मीन्स सिम्टम्स की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू टो, ऊपर से नीचे की ओर अगर आ देंगे तो हेयर में जनरली देखने को मिलता है हेयर लॉस होता है और हेयर काफी थिक हो जाता है। और अगर नीचे मीन्स नेक्स्ट आते हैं चेहरे पे, तो चेहरा जो है सूज जाता है, फेसियल पफिनेस बोलते हैं उसे। और अगर ब्रेन की बात करें तो काफी स्लगिश हो जाता है ब्रेन, और काफी रिस्पॉन्स टाइम काफी बढ़ जाता है पर्सन का, और डिप्रेशन होता है उनको और कंफ्यूजनल स्टेट हमेशा बना रहता है पर्सन में। और अगर ओवरऑल स्किन की बात करें तो स्किन काफी थिक एंड ड्राई हो जाता है। नीचे अगर हम आते हैं, नीचे देखते हैं, अगर गले की बात करें तो जो आवाज है उसका जो है हॉर्सनेस हो जाता है, हॉर्सनेस मीन्स काफी भारी आवाज हो जाता है। और वो अगर महिलाओं में एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज महिलाओं में वो मेल्स के जैसा लगता है कि आवाज वो मिमिक कर रहा है। और अगर नीचे आते हैं हार्ट की बात करें, तो हार्ट जो है हार्ट का जो रेट है काफी कम हो जाता है और बहुत बार 60 से नीचे भी चला जाता है, जिस कंडीशन को हम ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। और अगर हम आते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल है मतलब खाद्य नली और ओवरऑल पाचन प्रणाली जो भी है, इसमें मूवमेंट स्लो हो जाता है इंटेस्टिन्स का, जिसके चलते कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन और इरिटेटिंग साइड इफेक्ट है इसका। और अगर नेक्स्ट बात करें तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो होता है वो फीमेल्स में बहुत कॉमन है ये। और मसल वीकनेस होती है और लेग के पास स्वेलिंग होती है, दोनों लेग के पास स्वेलिंग होती है। और अगर ओवरऑल अगर बात करें तो पर्सन को कोल्ड इनटॉलरेंस होता है, मतलब ठंड काफी ज्यादा लगेगी, क्योंकि थायरोक्सिन का ही रोल है कि शरीर को वार्म रखना, तो थायरोक्सिन की अगर कमी है तो वो कोल्ड इनटॉलरेंस होगा। दूसरी चीज वेट गेन होगा। और अगर तीसरी चीज अगर हम देखें तो ये जो है काफी लिथार्जिक लगेंगे वो पर्सन और बोलेंगे कि शरीर में एनर्जी नहीं है। अब हम आते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन जो है ये क्या क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन में पहले जो हम कराते थे वो है T3 T4 TSH कराते थे, बट अब सिर्फ फ्री T4 और TSH कराते हैं। और फ्री T4 और TSH इन दोनों में जो रिलेशन रहता है वो है रिलेशन डिमांड एंड सप्लाई का। मतलब टीएसएच अगर डिमांड है तो
तो फ्री टी4 जो है सप्लाई है। तो इन केस ऑफ हाइपोथायरायडिज्म टीएसएच बढ़ जाता है और फ्री टी4 कम जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि टीएसएच तो बढ़ा हुआ है बट टी4 जो है ये नॉर्मल रेंज में है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म। इसका जो ट्रीटमेंट है कि इसके ट्रीटमेंट देने से पहले एक बार हम फिर से टीपीओ एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पर्सन को दवा खानी पड़ेगी, या अगर सिम्टम्स पॉजिटिव आते हैं, काफी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं थायराइड के, तो दवा खानी पड़ेगी। अदरवाइज वेट एंड वॉच है कि इनका रेगुलर जो है फ्री टी4 और टीएसएच चेक कराया जाता है, क्योंकि इनको फिर फ्यूचर में होने की संभावना बनी रहती है, हाइपोथायरायडिज्म होने की संभावना बनी रहती है। और एक बात मैं यहीं पे कहूं, एक बहुत जरूरी बात, कि ज्यादातर लोग बोलते हैं हाइपोथायरायडिज्म थायराइड हो गया है। थायराइड तो आप खुद ही सुन लिया ना अभी कि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, थायराइड तो एक ग्रंथि है, उसके चलते जो बीमारी होती है उसका नाम है हाइपोथायरायडिज्म। तो आप हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट है, न कि थायराइड के पेशेंट है। अगला है, अब आते हैं हम इसमें ट्रीटमेंट क्या देना है। तो जहां तक हम जानते हैं कि जो थायराइड का काम था, नेचुरल जो हार्मोन सेक्रेट हो रहा था थायरोक्सिन, वो नेचुरल हार्मोन तो सेक्रेट हो नहीं रहा है, तो आर्टिफिशियल देना होगा हमको, और आर्टिफिशियल जो होता है वो है लिवोथायरोक्सिन। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं लिवोथायरोक्सिन, थायरोनॉर्म हो गई, उसके बाद एल्ट्रोक्सिन हो गई, थायरोक्स हो गई, सब में तो होता है लिवोथायरोक्सिन ही, कंपनियां अलग-अलग हैं। और इसका जो डोज है ये आपके डॉक्टर, आपके रिपोर्ट्स और आपके सिम्टम्स, ये दोनों देख के ये डोज जो है सेटिंग करेंगे। और आपको बोला जाएगा कि हर 6 महीने पे या हर 4 महीने पे फिर से रिपोर्ट, मतलब रिपीट टेस्ट कराते रहें, और उसी के हिसाब से आपका डोज कम या ज्यादा होगा, बट कभी भी बंद नहीं होगा। रेयरली बंद होता है, बट ओवरऑल एज ए 99% केसेस कभी बंद नहीं होता है। अब आते हैं कुछ बहुत ध्यान देने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली चीज कि अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आपने कंसीव किया और थायराइड भी है, मतलब हाइपोथायरायडिज्म भी है आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में जितनी जल्दी हो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, ताकि वो आपका जो है इमीडिएट जो है डोज का सेटिंग करे, क्योंकि प्रेगनेंसी के कंडीशन में वो डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि फीटस को भी जाता है, मतलब ग्रोइंग जो बच्चे हैं, बच्चा जो ग्रोइंग है उसके लिए भी जाता है, इसलिए मदर का डिमांड जो है काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए डोजिंग ऑलवेज सेट करा लें सही से और चेक कराते रहे। हो सकता है आपके डॉक्टर आपको मंथली या 2 मंथ इंटरवल पे बोले कराने के लिए, तो आप कराएं, क्योंकि जनरली थायराइड देखा गया है कि बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस कर देता है बच्चों में, इवन स्टिल बर्थ और स्टिल मतलब डेथ जो है ये बहुत कॉमन कर देता है, अगर आप सही से नहीं खा रहे हैं तो थायराइड की दवा। अगला है कि आप कौन सी ब्रांड की थायराइड की दवा लें। तो इसमें है ब्रांड में आप कुछ भी लें, आइदर आप एल्ट्रोक्सिन ले रहे हैं, आइदर आप थायरोनॉर्म ले रहे हैं, आइदर आप थायरोक्स ले रहे हैं, बट कोई भी ब्रांड ले, बट कोशिश करें कि जो ब्रांड एक बार शुरू कर दिया उसी के साथ जाए, कंटिन्यू उसी को करें, उसी ब्रांड को ले, क्योंकि ब्रांड चेंज करने से डोजेज में अंतर देखा गया है। ये हर बीमारी में और हर दवा के लिए लागू नहीं है, बट एक्सक्लूसिवली ये थायराइड के लिए जरूर लागू है, कि अगर आप कोई भी एक ब्रांड एल्ट्रोक्सिन अगर खा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप कंटिन्यू एल्ट्रोक्सिन ही खाएं। डोजेस तो आपके डॉक्टर सेट कर देंगे, बट ब्रांड जो है यही खाएं, चेंज जनरली ना करें। अगला क्वेश्चन, कौन सा खान पान और कैसा कुछ खान पान का सेवन किया जाए जिससे कि थायराइड हाइपोथायरायडिज्म ना हो, और अगर हाइपोथायरायडिज्म का मरीज है तो हाइपोथायरायडिज्म मतलब ये हो जाए, मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाए। आप एक चीज याद रखें, ऐसा मेडिकल साइंस अभी तक, और मैं अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की भी बात कर रहा हूं, काफी लिटरेचर्स मैंने पढ़ के और तभी ये वीडियो बनाया है तो उसकी भी बात कर रहा हूं, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेड कोई फूड प्रोडक्ट्स नहीं है जिसको खाने से थायराइड मतलब हाइपोथायरायडिज्म जो हुआ है वो ठीक हो जाए, और अगर उसको खाएं तो होने का चांसेस, अगर नहीं हुआ है तो होने का चांसेस
मतलब एकदम नील हो जाए, ऐसा कोई भी खाना नहीं। हाँ, किस चीज को आपको नहीं लेना है अगर आप थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के मरीज हैं, तो क्या नहीं लेना है? तो नहीं लेना में है जैसे कि अगर आप थायराइड की दवा जो आप सुबह खाली पेट खा रहे हैं, एम्प्टी स्टमक में आप जो ले रहे हैं, क्योंकि फूड के साथ उसका एब्जॉर्प्शन कम जाता है, तो जो आप थायराइड की जो मतलब हाइपोथायराइड की जो दवा आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं, तो उसको लेने के 4 घंटे के अंदर में आप कैल्शियम टैबलेट, आयरन टैबलेट, सोया प्रोटीन या सोया सॉस या सोया प्रोटीन या सोया प्रोडक्ट्स जो है ये, और एंटासिड, ये 4 चीज विद इन 4 आवर्स न लें, ताकि लेने से थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब उस दवा का जो एब्जॉर्प्शन है एल्ट्रोक्सिन का और जो थायरोनॉर्म जो भी लिवोथायरोक्सिन जो दवा है उसका एब्जॉर्प्शन कम जाता है। और अगर सबसे अगर लास्ट में अगर हम एक चीज की बात करें, मतलब वेट गेन और हाइपोथायरायडिज्म, तो जनरली देखा गया है कि अगर आपको थायराइड की मतलब हाइपोथायरायडिज्म के मरीज हैं आप, तो स्टार्टिंग में तो 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं आपके सिम्टम्स कम होने में, दवा खाने के बाद 2 से 4 सप्ताह लग जाते हैं सिम्टम्स को कम होने में। और जैसे जैसे आपका ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगता है, वैसे वैसे जो है आपके सिम्टम्स काफी नॉर्मल होने लगते हैं, और वैसे वैसे आप बेशक आप अपना वजन कम कर सकते हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिनको थायराइड नहीं। आई होप ये वीडियो काफी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाए वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।